दोस्तों, क्या लंबे समय तक कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करने के कारण आपकी आंखों में ड्राइनेस महसूस होती है? क्या आंखों में जलन और आंखों का लाल हो जाना आपके लिए भी सामान्य सा हो गया है? दोस्तों, क्या थोड़ा सा भी काम करने के बाद आंखों में थकान महसूस होती है? दोस्तों, अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पतंजलि के सौम्य आई ड्रॉप, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनके फायदे और साथ ही शेयर करूंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगी ही कि पतंजलि सौम्य आई ड्रॉप आपको क्यों इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ में कैसा रहा, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से इन्हें इस्तेमाल करती आ रही हूँ और वही मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देखे बिना ये वीडियो बीच में मत छोड़िएगा। तो अगर किसी भी मौके पे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सर, ड्राई आई सिंड्रोम आंखों की एक ऐसी समस्या है जिसका मतलब होता है कि आपकी आंखों को पर्याप्त मात्रा में चिकनाई नहीं मिल पा रही है और आपकी आंखें सूख जाती हैं। दोस्तों, हमारी आंखों में एक टीयर फिल्म होती है, यानी कि आंसुओं की परत, जो आंखों में नमी बनाए रखने और उसकी सुरक्षा के कवच के रूप में काम करती है। टीयर फिल्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो जाने से आंखों में सूखापन आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि लंबे समय तक आंखों में सूखापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आंखों की सतह पर सूजन आ सकती है और कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं पतंजलि के सौम्य आई ड्रॉप्स के बारे में, क्योंकि ये जो आई ड्रॉप्स हैं ये आंखों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। ये आयुर्वेद की चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के अनुसार जो जड़ी बूटियां रिकमेंडेड की गई थी, उन्हीं जड़ी बूटियों से ये आई ड्रॉप्स, ये औषधि तैयार की गई है। दोस्तों, ये आई ड्रॉप कंप्यूटर और मोबाइल से निकलने वाली हानिकारक किरणों से तो आंखों को बचाते ही हैं, इसके अलावा किसी भी तरह के पॉल्यूशन या धूल मिट्टी जैसे एनवायरमेंट में भी आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। कि 5 मिलीलीटर के पैक में बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी गई है, जिसमें गुलाब जल जो है वो 1000 मिलीग्राम है, और उसके अलावा इसमें अपराजिता फूल, निर्गुंडी, तुलसी पत्र, हरतकी, नीम, ममीरा, बहेड़ा, भृंगराज और बहुत सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जो कि हमारी चरक संहिता के अनुसार हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आंखों पे किसी भी तरह का स्ट्रेन आ रहा है, आई स्ट्रेन, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम यानी कि कंप्यूटर पे लंबे समय तक बैठने के कारण आंखों पे किसी भी तरह का दबाव पड़ रहा है, उस केस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की सूजन आंखों में आ जाती है, वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई आईज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको आंखों के एलर्जिक इश्यूज रहते हैं तो वहां पे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर इंडिकेशंस दी गई हैं। तो दोस्तों, सौम्य आई ड्रॉप में एंटी माइक्रोबायल और एंटी हिस्टामाइनिक प्रॉपर्टीज हैं, जिसकी वजह से ये एलर्जी के केसेस में भी अच्छे माने जाते हैं। और इस पर एक क्लिनिकल स्टडी भी की गई है कार्मिक लाइफ साइंस LLP अहमदाबाद के द्वारा, जिसमें इनको अच्छा माना गया है आंखों के लिए। तो दोस्तों, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले जान लेते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं पिछले 6 महीने से इनका इस्तेमाल करती आ रही हूँ, तो वैसे तो मुझे आई साइट का कोई इशू नहीं है, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करने के कारण मुझे भी आंखों में काफी ड्राइनेस महसूस हो रही थी और आंखों में सूखापन आने की वजह से आंखें लाल हो रही थी और आंखों में अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम आंखों में इस तरह महसूस हुआ तो सबसे पहले तो मैंने कंप्यूटर और गैजेट्स कम इस्तेमाल करने शुरू किए और आंखों को थोड़ी देर बंद रखा और आंखों को मैंने ठंडे पानी से धोया, लेकिन उसके बावजूद भी जो ड्राइनेस थी वो जा नहीं रही थी। तो मैंने इसके कुछ 2 से 3 ड्रॉप्स आंखों में डाले होंगे, और 2 से 3 ड्रॉप्स आंखों में डालने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा रिलीफ महसूस नहीं हुआ। और दूसरी बार जब मैंने ये आई ड्रॉप्स आंखों में डाले तो मैंने देखा कि आंखों में जो लाली थी वो काफ़ी कम हो गई थी। पर मैंने तीसरी बार यानी कि रात को सोने से पहले भी आई ड्रॉप्स आंखों में डाले और इसको डालने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। तो यहाँ पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस आ गई है तो पहली बार में आपको रिलीफ नहीं आएगा, आपको अपने गैजेट्स वगैरह को दूर रखना होगा और साथ में ही इसके ड्रॉप्स को आपको 2 से 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार अगर आप यूज करेंगे तो आपको रिलीफ जरूर महसूस होगा। और ऐसा जिसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गुलाब जल के अलावा दूसरी जड़ी बूटियां भी हैं जो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी मानी गई हैं। तो दोस्तों, ये पतंजलि के आई ड्रॉप्स आपको किसी भी पतंजलि के स्टोर से मिल जाएंगे।
और यहाँ पे 10 मिलीलीटर की जो क्वांटिटी की कीमत है वो है 3500 रुपये। तो दोस्तों ड्राई आई से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है और इनसे संबंधित अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो तब तक दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए।